Hi friends, welcome back to Parcham. My name is Piyush and I'm your English mentor. We are discussing top 500 spotting error questions. जिसमें 150 questions already हमने discuss कर लिए हैं 3 classes में. आज की class में भी we'll be discovering 50 new questions. जिसमें last के 5 questions होंगे आपके लिए as a challenge in quiz questions का section. सबसे पहले class में I'll be revealing the answers जो मैंने last class में 5 quiz questions पूछे थे उनके answers. उसके बाद में we'll start off the journey of 45 new questions. लास्ट में मैं आपको दूंगा 5 क्विज के क्वेश्चंस को. सो लेट्स स्टार्ट दिस. सबसे पहले रिवील करते हैं आंसर्स जो आपने ऑलरेडी आंसर किए हुए हैं. सो क्विज क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 था, द होल कंट्री वाज सफरिंग बाय अ फाइनेंशियल क्राइसिस. सफर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं, ये चीज सबको पता ही है. हमेशा से हम लेटर एप्लीकेशन लिखते आए हैं क्योंकि हमें फीवर बचपन में ज्यादा रहता था, असली वाला नहीं, जस्ट बिकॉज हमें एक्सक्यूज देना होता था. सो इट शुड बी फ्रॉम, दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट चॉइस. नंबर 2 वाज, I do not know where could he have gone so early in the morning. ध्यान से देखो, where could he have gone, अगर मैं लिखूंगा तो ये interrogative बन रहा है, जिसके लिए last में question mark होना चाहिए. नहीं है, यानी कि मुझे इसका framing change करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कर सकते कि last में question mark हम assume कर लें या लगा दें, ऐसा नहीं होता है. So where could he have gone की जगह क्या लगा देंगे, where he could have gone लगा देंगे, और could he की place को ही सिर्फ change करना है, sentence सही हो जाएगा. मतलब error किधर है, option number 1 में. Number 3 पे आते हैं, I suggest that he goes to the doctor as soon as he returns from the examination. जरा बहुत ध्यान से समझिए, जब भी कभी suggestion होगा या advice होगा किसी को भी आप दोगे, उसमें हम हमेशा बिना SES वाली form को ही use करते हैं, याद रखिएगा ये. So he के साथ में जो goes लिखा है यहाँ पे, it should be he go to the doctor. ये थोड़ा अजीब लगेगा, but जब भी हम किसी को suggest करें, कुछ भी advice करेंगे, तो हमेशा बिना SES वाली form of verb ही use हो सकती है, याद रखिएगा चीज को. थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, काफी डीप हो सकता था ये. चलो, नंबर 4th वाज, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट. ठीक है, हमने क्या सीखा था, ऑफ के जस्ट पहले जो वर्ड रहेगा इसी को सब्जेक्ट मान के इसके हिसाब से वर्ब्स को यूज करेंगे. ऑफ के पहले इंट्रोडक्शन है जो सिंगुलर है, इस वजह से जो वर्ब होगी उसमें हम SES रखेंगे क्योंकि तभी वर्ब सिंगुलर बनती है. यहां पे वर्ब हैव गलत है, इट शुड बी हैज, यानी कि एरर किधर है, पार्ट नंबर 3 में एरर है. चलो, क्वेश्चन नंबर 5, In spite of the roadblock, the guards allowed us enter the restricted area. गलत है, allowed us to enter the restricted area. Somebody allow you to do something. बहुत कॉमन सा फ्रेज है, यहाँ पे एंटर के पहले 2 चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हैज दी एरर. राइट, सो ये 5 क्विज क्वेश्चन के आंसर्स ये थे. आपने मैच नहीं किए तो प्लीज डू इट, और देखिए आपका जो ग्राफ है वो कैसे ग्रो कर रहा है. 5 में से 5 क्वेश्चन अगर सही है तो मतलब ग्राफ बढ़िया चल रहा है. अगर ग्राफ डिक्लाइन कर रहा है तो बेटा थोड़ा और ध्यान से क्लासेस को देखने की जरूरत है. चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को, बट बिफोर दैट समथिंग इंपॉर्टेंट टू बी शेयर्ड. एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है परचम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. आप वहां पे जाकर सर्च कर सकते हो इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में. एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है, वेर यू विल बी गेटिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस दैट प्लेज अ ह्यूज रोल, एंड इन द एंड डिटेल पीवाईक्यूज के डिस्कशंस दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी. राइट, सो गो एंड ग्रैब द डील. अप टू 50% डिस्काउंट्स आप वहां से अवेल कर सकते हो. सो गो बिफोर इट्स टू लेट. इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, यू हैव द ऑप्शन टू कॉल और व्हाट्सएप एट 9929507407. कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो. अगर स्टिल क्वेरीज रिसॉल्व नहीं हुई है, सो परचम क्लासेस 06@gmail.com पे यू हैव ऑप्शन टू मेल योर क्वेरीज. राइट, सो लेट्स स्टार्ट आज का क्लास, और उसमें देखते हैं कौन से 45 क्वेश्चंस आज हमें डिस्कस करने हैं. Fine. So first question is, मतलब number 151, आज का question number 1 है, the newer type of automatic machines washes the clothes faster. जरा ध्यान से देखो, off के पहले type लिखा है, एक होगा, washes verb है, बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन newer type की बात हम क्यों करेंगे, यहाँ पे comparison तो हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे newer गलत है. इसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए, latest type की जो machine है वो कपड़ों को और ज्यादा अच्छी तरीके से धोती है. मतलब ऑटोमेटिक कंपैरिजन तो हो ही चुका है, मतलब जो अभी जो लेटेस्ट आई है, मतलब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन तो कंसिडरेशन में है ही, अब जो और जो एकदम नई आई है वो और जल्दी कपड़े धुलती है, यहाँ पे ये बात हो रही है. सो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, इट शुड बी लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, या फिर द रीसेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स ये लिख सकते थे. न्यूअर लिखना यहाँ पे गलत है, सिर्फ न्यू लिखते तो भी चल जाता. द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स या फिर द लेटेस्ट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, दैट्स हाउ इट्स ऑप्शन नंबर 1 as the correct choice. Number 152.
By the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already begun. अब ध्यान से देखो, हम क्या किए? टिकट लेके सिनेमा में गए, उसके पहले ही शो शुरू हो चुका था. ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी दो पास्ट होते हैं, दिस इज पास्ट नंबर वन एंड दिस इज पास्ट नंबर टू, दो पास्ट होते हैं तो जो सबसे रिसेंट पास्ट होता है उसके साथ में V2 आता है, और जो सबसे पहले हुआ होता है मतलब बहुत दूर होता है उसके साथ में हम क्या लगाते हैं बेटा? हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. अब यहाँ पे हम टिकट्स खरीद के सिनेमा में गए हैं और शो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है? हम थिएटर में गए हैं, शो पहले शुरू हो चुका, शो पहले शुरू हो चुका है, हम थिएटर में बाद में गए हैं. तो बाय द टाइम वी गॉट आर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा, तो जो सिनेमा वाला होगा उसमें क्या हो जाएगा? V2 एंटर्ड हो गया है, V2 सही है. अब आगे हम क्या करेंगे? बहुत पास्ट यानी कि जो शो शुरू हुआ था उसमें कौन सी वर्ब फॉर्म यूज करनी पड़ेगी? हैड प्लस V3. देखो थिएटर, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन, गलत हो गया यहाँ पे. द शो वॉज हटाएंगे यहां से, ऑलरेडी बिगन यहाँ पे गलत है, इट शुड बी द शो हैड ऑलरेडी बिगन. हैड प्लस V3 हो गया, अब ये सेंटेंस सही है. सो वॉज की जगह व्हाट डू आई नीड? इट शुड बी हैड ऑलरेडी बिगन. ठीक है, चलो 153 पे आते हैं. Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. ठीक है, देखो ध्यान से देखो. Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester. Each of के बाद में हमेशा हम क्या करते हैं? Plural noun रखते हैं, plural noun रखते हैं, उसके साथ में singular verb रखते हैं, singular verb रखते हैं. ठीक है, अब उसके बाद में अगर हमें क्या करना होता है, एक एक को हम point out कर रहे होते हैं. तो वैसे तो काफी सारे इसमें माइंडसेट्स हैं, बट स्टिल हमेशा जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं इसको सिंगुलर ही रखते हैं. तो देयर की जगह इट शुड बी हिज, जस्ट बिकॉज ये हमेशा से मेल ओरिएंटेड ही रहा है, तो हम हर हटा के हमेशा से हिज लगाते आए हैं. सो इसका एग्जैक्ट लॉजिक तो नहीं पता, बट स्टिल यहाँ पे हम हिज यूज करते हैं, हर कभी हम यूज नहीं करते हैं. सो द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस शुड बी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप His own research paper this semester. तो यहाँ पे देर की गलती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 में हम एरर स्पॉट करेंगे. चलो नंबर 154. The fact of me being a stranger does not excuse his conduct. हमने क्या सीखा था? ing form of verb अगर हमें दिख जाए और उसके जस्ट पहले हमें कभी noun दिख जाए या हमें दिख जाए pronoun, noun दिख जाए या फिर दिख जाए pronoun, क्या करना है? सिंपली इन दोनों में से किसी का भी हमें possessive form use करना है. अगर ing से जस्ट पहले मेरे को कोई नाउन या प्रोनाउन दिख गया तो मैं उसका हमेशा क्या यूज करूंगा? पजेसिव फॉर्म यूज करूंगा. नाउन का पजेसिव बनाने के लिए हमारे पास में अपोस्ट्रॉफे है, लेकिन प्रोनाउन का पजेसिव बनाने के लिए हमारे पास में दो दो वर्ड्स होते हैं. जैसे यहाँ पे मी यूज हुआ है, तो मी के कॉन्टेक्स्ट के दो पजेसिव वर्ड्स हैं माई और माइन, इनमें से कोई यूज होना होगा. माइन के बाद में कभी भी कोई वर्ड नहीं आ सकता जो उस सेंटेंस का पार्ट हो, इस वजह से हम माय लगाएंगे. सो द फैक्ट ऑफ मी बीइंग अ स्ट्रेंजर गलत है, इट शुड बी माय बीइंग अ स्ट्रेंजर. ये चीज मैंने आपको प्रोनाउन वाले रूल्स में पढ़ाई हुई है, राइट? सो इट शुड बी माय बीइंग अ स्ट्रेंजर इज करेक्ट. मी बीइंग अ स्ट्रेंजर बिल्कुल गलत है बेटा, ध्यान से समझिए इसको. आईएनजी से जस्ट पहले अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो इसको आप हमेशा पजेसिव केस में रखोगे. नाउन आएगा तो अपोस्ट्रॉफे लगा के, और अगर प्रोनाउन है तो उसका पजेसिव फॉर्म यूज करके. चलो नंबर 155. द सी लुक्स एज इफ इट हैज बीन एजिटेटेड बाय अ स्टॉर्म. ध्यान से समझो, एज इफ लगाएंगे तो ये अज्यूम करने लगेगा. ठीक है, अगर हम एज इफ लगाएंगे तो अज्यूम करने लगेगा, और जैसे अज्यूम करता है हमेशा हम पास्ट वाली चीजों को प्रेफरेंस देते हैं, सिर्फ पास्ट को ही हम लिख सकते हैं. सो इट हैज बीन एजिटेटेड बाय अ स्टॉर्म गलत हो गया. हैज की जगह क्या लगाएंगे? इट हैड बीन लगाना पड़ेगा, याद रखना. एज इफ आते ही तुरंत अज्यूम करने लगेगा, और इस केस में हम हमेशा पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं. हैज बीन लगाया प्रेजेंट हो गया, हैड बीन लगाया पास्ट हो गया, इस वजह से सेंटेंस सही हो गया. सो एरर कहां पे मिलती है? ऑप्शन नंबर 2 में मेरे को एरर मिल गई है. चलो 156 पे आते हैं. अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी. देखो अ वैरायटी लिखा है, अगर सिर्फ वैरायटी होता तो अट्रैक्ट भी मान सकते थे, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं, उनका वैरायटी होगा तो स्प्लिटिंग अलग अलग हो सकती है, किसी केस में पॉसिबल है ऐसा. लेकिन अ वैरायटी लिखा है, अ वैरायटी का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया कि एक वैरायटी थी जिसके आइटम्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे. सो अ वैरायटी में अ क्या दिखा रहा है? एक स्पेसिफिक वैरायटी, तो अट्रैक्ट यहाँ पे गलत है, इट शुड बी अट्रैक्ट, याद रखिएगा. ये अट्रैक्ट हो जाएगा जस्ट बिकॉज यहाँ पे सिंगुलर है, ऑफ के पहले सिंगुलर चीज की बात हो रही है, इस वजह से वर्ब में एस सही है. सो अट्रैक्ट इज रॉन्ग, इट शुड बी अट्रैक्ट्स इन पार्ट 2. सो पार्ट नंबर 2 में देयर इज एन एरर. ठीक है, 157 पे आते हैं. The table's legs have been elaborately carved. देखो, table's leg लिखा हुआ है. हमने क्या पढ़ा था? Possessive. जब हमने apostrophe पढ़ा था, उसमें क्या सीखा था हमने? कि जब भी non-living things आएंगे, apostrophe को हटा दिया जाता है. दो nouns होते हैं, उनमें से हम बाद वाला लिखते हैं, फिर off लिखते हैं, फिर पहले वाला लिखते हैं. So the table's leg गलत है. It should be the legs of table have been. तो यहां पे गलती कहां है? Table's leg गलत है. सही क्या हो जाएगा बेटा? Legs of table.
अब ये चीज सही हो जाएगी. सो टेबल सेलेक्ट गलत है, इसकी जगह पे ऑप्शन नंबर 1 को हम मार्क कर देंगे, दैट हैज द एरर. 158 पे आते हैं. द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग. देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, सीनरीज कुछ नहीं हो सकता, पहली चीज तो यही है, इट शुड बी सीनरी, एस सी ई एन ई आर वाई. सीनरीज भी उसी वर्ड की लिस्ट में आता है जिनको हम एस ई एस लगा के प्लूरल सिंगुलर नहीं कर सकते हैं. सीन्स बोल सकते हैं लेकिन सीनरीज कुछ नहीं होता है. इट शुड बी द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, तो सीनरीज गलत है, इट शुड बी सीनरी. ठीक है, सीन या सीन्स आप कर सकते हो, प्लूरल होता है, लेकिन सीनरीज कुछ नहीं होता है बेटा. चलो 159 पे आते हैं. आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट. ठीक है, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स राइट टू मी. देखो दो दो बार हम एक ही सेम चीज को एक ही सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं. अब पहला वाला हटा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हम देते हैं तो वुड लगाना मैंडेटरी सा माना जाता है. ठीक है, सो आई वुड अप्रिशिएट मतलब मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को. सो इट्स सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू जो यहाँ पे बताया जा रहा है. सो आई वुड अप्रिशिएट यहाँ पे ठीक है, बट बाद में जो वुड लिखा है इसको हटा देंगे और सेंटेंस सही हो जाएगा. आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट. समझ गए आप? सो यहाँ पे राइट टू मी ठीक है, वुड यहाँ से हटाना पड़ेगा. एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड को दो दो बार हम यूज करने से हमेशा बचते हैं, और मॉडल हो गया फिर तो वो एकदम ही खराब हो जाएगा. चलो नंबर 160, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड. देखो नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ कब यूज करते हैं? जब भी दो चीजों की बात होती है. ठीक है, नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन ठीक है, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ के बाद में हमेशा हम जो नाउन रखते हैं वो कैसा रखते हैं? प्लूरल नाउन रखते हैं. ठीक है, लेकिन जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर रखते हैं. सेड देयर प्रेयर, अब देखो सेड यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं. लेकिन प्रोनाउन भी हमेशा सिंगुलर चाहिए होता है, तो देयर यहाँ पे गलत है, इट शुड बी हिज प्रेयर लिखना पड़ेगा. समझ गए आप? देखो नाइदर ऑफ हो या आइदर ऑफ हो, सीखा तो ऑलरेडी था ही बट फिर भी रिवाइज कर लेते हैं. नाइदर ऑफ हो या आइदर ऑफ हो, उसके बाद में प्लूरल नाउन चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए और सिंगुलर प्रोनाउन भी चाहिए बेटा, अगर आगे जरूरत पड़ी है तो. प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन, ये हमेशा सेम चाहिए होता है. ठीक है, देखो सिंगुलर अगर वर्ब है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होता है जनरली. ठीक है, सो प्रोनाउन क्या कहते हैं, नाउन प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा, बाकी दोनों चीजें सिंगुलर ही चाहिए होती हैं. तो यहाँ पे नाउन तो प्लूरल था, वर्ब को हमें फिलहाल जज नहीं कर रहा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन प्रोनाउन यहाँ पे प्लूरल लिखा था, इस वजह से मैं इसको सिंगुलर करूंगा, दैट इज हिज कर दूंगा मैं. ठीक है, चलो 161 पे आते हैं. I sat down opposite him and produced the packet of cigarettes. मैं उसके opposite बैठा और मैंने सिगरेट का पैकेट प्रोड्यूस कर दिया या उसको ऑफर कर दिया. द पैकेट ऑफ सिगरेट क्यों? कोई स्पेशल सा सिगरेट का पैकेट अगर लाया हो तो ऐसा बताना पड़ेगा, एकदम से हम द पैकेट ऑफ सिगरेट्स नहीं लिख सकते, इट शुड बी अ पैकेट ऑफ सिगरेट. तो यहाँ पे एरर किधर है? द की जगह शुड बी अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, इतने सही काम चल जाएगा. तो द लगा के जबरदस्ती का स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं है. चलो 162, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago. देखो जस्ट और एग्जैक्टली हम दोनों सेम चीजों को एक साथ में नहीं रख सकते हैं. जस्ट का मतलब भी वही होता है, एग्जैक्टली का मतलब भी वही होता है, तो दो एग्जैक्ट वर्ड्स या दो सेम वर्ड साथ में कभी भी नहीं आ सकते हैं. दिस हैपेंड जस्ट 5 years अगो हो सकता है या दिस हैपेंड एग्जैक्टली 5 years अगो, दोनों में से कोई एक चीज को आप हटा सकते हो. सो एरर किधर है? पार्ट नंबर 2 में एरर मिल गई. नंबर 163, रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली इयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस. ठीक है, रमेश स्माइल्ड, एक बार हंस दिया जब ही वाज रिमेंबरिंग, दोनों चीजें सिंक में नहीं है. सो यहां क्या करना पड़ेगा? रमेश was smiling when he was remembering. अब ये भी गलत हो जा रहा है. So रमेश smiled when he remembered लिखना पड़ेगा. रमेश was smiling when he was remembering. अब दो दो बार was हो जा रहा है, गलत माना जाएगा. क्या करेंगे? रमेश smiled when he was या when he remembered his hard early years. तो पार्ट नंबर 1 में हमें एरर स्पॉट करनी पड़ेगी. ठीक है, चलो 164 पे आते हैं. गुड हेवेंस हाउ हैज शी ग्रोन. अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो हम इंटरोगेटिव वाली जो फॉर्म है वो नहीं लिख सकते. हाउ हैज शी ग्रोन की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? हाउ शी हैज ग्रोन. ठीक है, तो हाउ हैज शी हटाएंगे, हाउ शी हैज लगा देंगे, अब ये इंटरोगेटिव नहीं बचा. इस वजह से पार्ट नंबर 2 में हमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, इस वजह से पार्ट नंबर 2 में हमें एरर मिल जाएगी. फाइन, चलो 165, द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुर्गन दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स ही शुड ले इन द बेड फॉर अ फ्यू डेज. He should L-A-Y गलत है. He should क्या लिखेंगे? L-I-E. He should lie. बेड पे आराम करना चाहिए, लेटना चाहिए. So L-I-E वाला ले यूज करना पड़ेगा. ठीक है, चलो 166 पे आते हैं. He is a university professor, but of his 3 sons, neither has any merit. देखो यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है लेकिन उनके 3 बेटों में से किसी के पास में कोई मेरिट नहीं है. ध्यान से समझो, जब हम दो की बात करते हैं वी हैव ऑप्शन ऑफ यूजिंग नाइदर या फिर आइदर. Neither या either.
लेकिन वेन इट इज टू प्लस, दो से ज्यादा के लिए हमेशा नाइदर की जगह पे वी यूज नन एंड आइदर की जगह पे वी यूज एनी। याद रखिएगा, आइदर की जगह पे वी यूज एनी कब, जब दो से ज्यादा चीजें टोटल होंगी। ठीक है, यहाँ पे थ्री सन्स है तो यानी कि दो से ज्यादा हो गया। नाइदर यूज किया है तो नाइदर की जगह मैं क्या यूज करूंगा, नन यूज करूंगा। नाइदर गलत है, इट शुड बी नन। तो एरर किधर है, पार्ट नंबर थ्री में। चलो नंबर 167 पे, आफ्टर नोइंग ट्रुथ, देखो ट्रुथ के पहले हमेशा द लगाना बेटा मैंडेटरी होता है। ठीक है, लाए के पहले आ, ये हमने सीखा था, लाए के पहले आ और ट्रुथ के पहले हमेशा द लगाना मैंडेटरी होता है। लाए के साथ में आ चाहिए एंड ट्रुथ के साथ में द चाहिए, दोनों चीजें याद कर लीजिए। जैसे बोलते हैं ना डोंट टेल अ लाए, इसका मतलब है झूठ मत बोलो, तो लाए के साथ में आ एंड ट्रुथ के साथ में द, ये दो मैंडेटरी चीजें होती हैं। चलो 168 पे आते हैं, इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखो इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, ये एग्जामिनर के दो बहुत फेवरेट फ्रेजेस हैं। सो इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम दोनों फेवरेट फ्रेजेस हैं। इनके बाद में सिर्फ एक रूल को ध्यान रख लो, सेंटेंस जनरली गलत नहीं होगा। इट इज टाइम हो या फिर इट इज हाई टाइम हो, इट इज टाइम हो या फिर इट इज हाई टाइम हो, आप क्या करोगे, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। इसके बाद में क्या करोगे, हमेशा इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाओगे। सो इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो, इसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। चेक करते हैं, इट इज टाइम यू डिसाइड, गलत हो गया ना, डिसाइड की जगह पे इट शुड बी डिसाइडेड, डिसाइड की जगह पे इट शुड बी डिसाइडेड एंड दैट्स हाउ सेंटेंस वुड बी करेक्ट। एरर किधर स्पॉट हुई है, पार्ट नंबर टू में। चलो आगे 169 पे आते हैं, ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज लेट हिम स्पीक। देखो ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट फॉर द कॉज, अब यहां पे इनकी बात कर चुके हैं, लेट हिम स्पीक गलत हो गया है। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, शुड बी अलाउड टू स्पीक, शुड बी अलाउड टू स्पीक, ये करेंगे तब ये सही माना जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो वो जिसने बहुत सारा सफर कर लिया है, अब यहां पे लेट हिम स्पीक बोलते ही दो दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप बात करने लगोगे। अगर आप बोलोगे शुड बी अलाउड टू स्पीक तो आप उसी आदमी से बात कर रहे हो जिससे आपने ये वाली बात कही है। क्लियर है, तो यहां पे लेट हिम स्पीक की जगह क्या लिखेंगे, शुड बी अलाउड टू स्पीक। ठीक है, सो एरर किधर है, पार्ट नंबर थ्री में। तो लेट हिम स्पीक की जगह लिखेंगे शुड बी अलाउड टू स्पीक। ठीक है, नंबर 170 पे आते हैं, अ कप ऑफ कॉफी इज एन एक्सलेंट कॉम्प्लीमेंट टू स्मोक्ड सैल्मन। ठीक है, अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, इस लगा दिया है, ऑफ के पहले कप था तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, इस भी ठीक है, इज एन एक्सेलेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कुछ एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, बढ़िया है, टू स्मोक सैल्मन, बिल्कुल परफेक्ट, नो एरर। इसमें पार्ट नंबर फोर्थ यानी कि देयर इज नो एरर स्पॉटेड। नंबर 171, जज एन एम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस इज सन टू डेथ। देखो ये सीखा था हमने, जब भी किसी आदमी के अंदर की एक क्वालिटी एकदम बाहर उभर के आएगी तब उस क्वालिटी के साथ में द लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ये फादर थे, ठीक है, इनकी कौन सी क्वालिटी उभर के बाहर आ गई, कौन सी, जज वाली क्वालिटी, तो जज के पहले क्या लगाना पड़ेगा, द जज इन हिम आ जाएगा। समझ गया? चलो जैसे मान लो आप बहुत बीमार हो, आपका कोई फ्रेंड है वो आपका बहुत ध्यान रख रहा है, तो उस टाइम पे कैसा काम कर रहा है, वो एज अ मदर फिगर काम कर रहा है। सो द मदर इन हिम या द मदर इन माई फ्रेंड प्रिवेल्ड अपॉन हिम, ऐसे बोलेंगे, तो उस टाइम पे कौन सी क्वालिटी निकल के बाहर आई है, मदर वाली, सो द मदर इन हिम यूज करने लगेंगे। वैसे ही सिमिलरली द जज इन हिम यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, चलो 172, 9/10 of the pillar have rotted away. देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, जैसे मानो मैंने लिखा 1/4, इसका मतलब ये होता है कि टोटल चीज तो अभी भी एक ही है, टोटल चीज कितनी है, एक ही है, उस एक चीज को मान लो ये एक ब्लॉक है, ये टोटल चीज तो अभी भी एक रहेगी, इस ब्लॉक को मैंने कितने पार्ट्स में बांट दिया, चार पार्ट्स में, तो नीचे वाला क्या पार्ट बताता है, चार पार्ट, इसमें से एक पार्ट को सिलेक्ट किया, मान लो यहाँ पे मैं इसको कलर करना चाहूं तो ये 1/4 अभी दिखाने लग गया, समझ गए आप, तो 1/4 है, इसका दूसरा फेसेट क्या होगा, 3/4, तो मैं क्या बोल सकता हूं, 1/4 इज कलर्ड एंड 3/4 इज अनकलर्ड, लेकिन टोटल नंबर ऑफ थिंग कितनी, अभी भी 1 ही है, यानी कि वर्ब हमेशा कैसी चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। सो 9/10 ऑफ द पिलर हैव की जगह क्या चाहिए बेटा, हैज चाहिए होगा, ध्यान रखिएगा, इस वजह से हैव को हटाएंगे और ऑप्शन नंबर 3 पे हम मार्क कर देंगे एज द एरर। चलो 173 पे आते हैं, वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। मोस्ट पीपल कुछ नहीं होता है, इट शुड बी मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, याद रखिएगा, इट्स नॉट मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल कुछ नहीं होता है, इट शुड बी मोस्ट ऑफ द पीपल, ये गलत लिखा हुआ है, मोस्ट पीपल गलत है, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू स्टे एट होम, समझ गए। चलो 174th, आर एफर्ट्स आर एम्ड एट ब्रिंगिंग, यू एम एट समथिंग, टू ब्रिंग गलत है, aimed at bringing, याद रखिएगा, you aim at doing something या you aim at something, तो यहाँ पे aim के साथ में two लगाते ही गलत हो जाएगा, aimed at bringing about a reconciliation, समझ गए। चलो 175 पे आते हैं, three conditions critical for growing plants are soil, temperature, chemical balance और amount of moisture। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें लिखी हैं, soil, temperature,
केमिकल बैलेंस। ये तीन चीजें एक तरफ है, सॉइल टेम्परेचर एंड केमिकल बैलेंस, और दूसरी तरफ क्या है, या फिर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ये तीन दो फेसेट है, पहले में तीन है ये और इसमें फिर ये है, या तो ये तीनों चाहिए या फिर ये वाला चाहिए। तो और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ठीक है, लेकिन जो ये तीन चीजें लिखी है सॉइल टेम्परेचर केमिकल बैलेंस, इसमें तीन चीजें हैं तो लास्ट वाले के साथ में एंड चाहिए होगा। इट शुड बी सॉइल टेम्परेचर एंड केमिकल बैलेंस। बात समझ आ रहा है, मिसिंग क्या पे है, यहाँ पे एंड मिसिंग है बेटा। किधर पार्ट में एरर मानेंगे, पार्ट नंबर थ्री में एरर है, एंड मिसिंग है वहां पे। इट शुड बी सॉइल टेम्परेचर एंड केमिकल बैलेंस और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, दोनों में से कोई एक चीज, या तो सॉइल टेम्परेचर और केमिकल बैलेंस दे दो या फिर सिर्फ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दे दो। समझ गए, चलो 176। If I had lots of money, I would give some to anybody who asked for it. ठीक है, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, I would give some to anybody who asked for it. ठीक है, बिल्कुल perfect है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, 177. The old man felled some of the trees in the garden with hardly no effort at all. Felled का मतलब होता है काट के गिरा देना। जब हम पेड़ को काटते हैं ना, तो उसको काट के गिरा देना एक verb होती है जिसका V2 होता है felled. ठीक है, चलो hardly के बाद में, हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, हार्डली के साथ में हम कभी भी नो, नेवर, नॉट नहीं लगा सकते बेटा, क्योंकि दो दो नेगेटिव वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सो हार्डली के साथ में नो कभी भी नहीं आएगा, हार्डली के साथ में अगर आपको कुछ भी लगाना है तो आप लगा सकते हो एनी, बस सिर्फ यही अलाउड होता है, इसको याद रख सकते हो, हार्डली के साथ में एनी लगा सकते हैं। स्कार्सली, हार्डली, रेयरली और बेयरली ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो अगर कभी भी आएंगे तो इनके साथ में नेगेटिव वर्ड्स इमीडिएटली ना लगा के हम कौन सा वर्ड लगा देते हैं, इनके साथ में हम एनी लगाना प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलो 178 पे आते हैं। 178 कह रहा है until the world lasts, the earth will go round the sun. ठीक है, जब तक world रहेगी, the earth will go round the sun. अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, until the world lasts, the earth will go round the sun. अब यहाँ पे round की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, around लगा सकते हैं। एक जगह पे हमने ये error spot नहीं की थी just because वहाँ पे एक major error present थी। So until the world lasts, the earth will go round the sun. This can be around. अब यहाँ पे एक डाउट ये आएगा कि अराउंड लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। देखो तमजो ध्यान से, आप राउंड को लिखोगे तब भी ये सही माना जाएगा, आप अराउंड लिखोगे तब भी ये सही माना जाएगा। सो इसका आंसर ये है कि अराउंड भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। अगर राउंड लिखा है तो भी सही है, अराउंड लिखा है तो भी सही है। मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, इट शुड बी अराउंड और इट कैन बी राउंड, दोनों सही है। इस वजह से हम नो एरर को यहाँ पे स्पॉट कर देते हैं, राइट। सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नो एरर। अराउंड लिखा होता फिर भी ऐसा ही मानते। चलो 179. I go to the temple as often as I find time. जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं टेम्पल चला जाता हूँ, मंदिर चला जाता हूँ। तो किस कॉन्टेक्स्ट में जाता होगा, प्राइमरी पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में जाता होगा। टेम्पल क्या है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है बेटा, अभी डिस्कस किया था। टेम्पल, प्रिजन, चर्च, हॉस्पिटल क्या होता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है। इन जगह पे अगर जो इमेज दिमाग में क्रिएट हो रही है उस वजह से गए हैं, प्राइमरी हो गया, आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके अलावा किसी वजह से गए हैं, सेकेंडरी हो गया, आर्टिकल लगेगा। जैसे टेम्पल का प्राइमरी पर्पस क्या है, पूजा करना, अर्चना करना, तो इस वजह से अगर टेंपल जा रहे हैं आर्टिकल नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि मैं मंदिर चला जाता हूं जब भी मुझे टाइम मिलता है, किस वजह से जाता होगा, पूजा करने के लिए, तो टेंपल के पहले से दा हटा देंगे। समझ गए, चलो इट शुड बी ऑप्शन नंबर 1। बाकी इस चीज को मैंने प्रॉपरली कवर किया हुआ है पूरा आर्टिकल वाले चैप्टर में। ठीक है, सो गोल्डन रूल्स जो हमने आप यूट्यूब पे भी अपलोड किए हैं उसमें भी काफी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, सो आप उससे भी वापस जाके पढ़ सकते हो अगर कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी इश्यूज हैं तो। चलो 180. A few tiles on Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. अब equipments ऐसे words की list में आता था जिनमें SES नहीं लग सकता है। और कौन से words थे? Furniture में नहीं लग सकता है, luggage में नहीं लग सकता, furniture में नहीं लग सकता है, luggage में नहीं लग सकता है, machinery में नहीं लग सकता है, equipment में नहीं लग सकता है, और बहुत सारे वर्ड्स हैं, सीनरी में नहीं लग सकता है, पोएट्री में नहीं लग सकता है, SES इन सब वर्ड्स में नहीं लग सकते हैं। नाउन्स में आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इस वजह से इक्विपमेंट्स में से हटा देंगे एंड पार्ट टू वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलो 181 पे आते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट, नो एरर। चलो देखो, आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट, LOOSE जो लूज होता है ये बेटा हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला लूज स्टॉक, अब इसमें लूज कौन सा वाला होगा, LOOSE। लूज पैंट, अब ये क्या हो जाएगा, LOOSE वाला लूज हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ब की बात हो, जैसे यहां पे कहता है कि मैं इसको खोना नहीं चाहता, अब यहां पे खोना क्या है, वर्ब है, तो कौन सा वाला लूज होगा, ये लूज गलत है, इट शुड बी LOOSE। ये है बेटा वर्ब, याद रखिएगा, LOOSE वाला लूज हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, सो 181 वुड गो विद ऑप्शन नंबर 3, लूज की जगह LOOSE वाला लूज लगाना पड़ेगा। चलो 182 पे आते हैं। डू नॉट गेट पैनिक्ड इन emergencies, get panicked कुछ नहीं होता है, या तो हम लिखेंगे क्या चीज, get panicky, PANICKY, panicky मतलब परेशान मत हो, या फिर हम लिखेंगे do not panic, या तो panicky लिखेंगे, get panicky लिखेंगे, या फिर panic लिखेंगे,
याद रखना इसको, या फिर डू नॉट गेट पैनिकी, या फिर डू नॉट पैनिक इन एमरजेंसीज, याद रखना डू नॉट गेट पैनिक एकदम गलत है, ठीक है। पैनिक का मतलब ही होता है परेशान हो जाना, तो गेट पैनिक का मतलब हो जाएगा परेशान हो जाना गलत हो गया, सो गेट पैनिक गलत है, आइदर इट शुड बी गेट पैनिकी और पैनिक सिंपली, सो एरर इज इन पार्ट टू। चलो 183 पे आते हैं, समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर। अब देखो एंग्री के साथ में दो प्रेपोजिशन लगते हैं, एक लगता है ऑन, दूसरा लगता है विद, एक ऑन दूसरा विद। विद कब लगता है? जब हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, ऑन लगता है जब हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। हर यहां पे लिविंग है इसलिए ऑन गलत है, इसकी जगह पे क्या चाहिए होगा? विद चाहिए होगा। एरर किधर है? पार्ट नंबर 3 में। चलो 184, आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, पहले मैं जाया करता था, मतलब अभी की बात नहीं हो रही है, यूज नहीं लिख सकते हैं, गलत है, यहाँ पे यूज लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, आसान सा है, अर्लियर मतलब पहले की बात कर रहे हैं, यूज का मतलब अभी हो गया, सो यूज लिखेंगे और बात को पूरा कंप्लीट कर देंगे। चलो 185, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो वर्ब जो होती है वो होती है टेक, इसका V2 होता है टुक, और V3 होता है टेकन। क्या होता है? V3 टेकन होता है। हैज, हैव और हैड के साथ में V3 लगता है, यहाँ पे हैज के साथ में टुक लग गया, ये गलत हो जाएगा, टुक की जगह क्या लगना चाहिए बेटा? टेकन लगना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा द टीचर हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझ आगे। चलो आगे नंबर 186, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। देखो एज इफ के साथ में हमने क्या सीखा था, हमेशा बाद में कौन सी फॉर्म यूज होगी? V2 यूज होगी या फिर पास्ट वाली वर्ब्स को यूज करना पड़ेगा। सो ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स गलत है, बिलोंग्स की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? बिलोंग लिखेंगे, GED लिखना पड़ेगा, बिलोंग्ड टू हिम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ही वॉक्स एज इफ अर्थ बिलोंग टू हिम, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हम एज इफ लिखते हैं तुरंत अज्यूम करने लगता है, और अजम्पशन के केस में हमेशा हम पास्ट को ही कंसिडर करते हैं, इस वजह से बिलोंग्स गलत है, शुड बी बिलोंग्ड टू हिम। चलो 187 पे आते हैं, द क्लर्क वॉज नॉट इंटीमिडेटेड By his boss's bullying, ठीक है, क्लर्क इंटीमिडेटेड नहीं हुई थी, मतलब धमकाई जो गई होगी वो धमकी नहीं थी उससे, by his boss's bullying, it's perfect, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है, no error। 188 पे आते हैं, This misogynist hates all mother-in-laws, हमने क्या पढ़ा था बेटा, जब भी हम compound nouns को plural करते हैं, इसमें क्या करते हैं, mother-in-laws लिखा हुआ है, plural करने के लिए हमेशा first word में addition होता है, तो mother-in-laws यहाँ पे पहला error spot हो गया है, mother-in-laws गलत है, it should be mothers-in-law, तो यहाँ पे लॉज में से एस हटाएंगे और वहां पे मदर के बाद में एस लगाना पड़ेगा, सो द करेक्ट फॉर्म वुड बी दिस मिसोजिनिस्ट हेट्स ऑल मदर्स इन लॉ, अब ये सही है, सो एरर किधर मिली? पार्ट नंबर 2 में। चलो 189 पे आते हैं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ये मेन कंसर्न है किनका? ऑर्गेनाइजर्स का, अभी फिलहाल के टाइम पे, इसमें फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो लेट्स गो विथ ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नो एरर। चलो 190 चलो 189 पे आते हैं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट, वेट आई एम री रिकॉर्डिंग दिस, 188 के बाद में, अभी आई एम रिकॉर्डिंग 189, ठीक है। सो 189, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एट द मोमेंट, एट द मोमेंट का मतलब है अभी की बात हो रही है, एग्जैक्टली इसी टाइम की बात हो रही है, तो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, अब ये गलत है, या तो लिखेंगे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम या फिर लिखेंगे हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स कभी नहीं लिखते हैं, याद रखो, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब अभी जो आई है वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, या फिर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, ये अभी का कंसर्न है, तो या तो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लिखो सीधा, या फिर हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम लिखो, तो दो ऑप्शन है, द प्रॉब्लम या फिर सिर्फ प्रॉब्लम्स, याद रखना इसको, थोड़ा सा यूनिक है ये, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 190 पे आते हैं, वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट सो दैट द चिल्ड्रन माइट हैव इनफ स्पेस टू प्ले, ठीक है, वॉचमैन को हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, या तो हम ऑर्डर करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, वी आस्क, हम क्या बोलेंगे, या तो उनको बोलेंगे या फिर ऑर्डर देंगे वॉचमैन को, सो पोस्ट के हिसाब से बेसिकली हम चीजों को अप्लाई करते हैं, इंग्लिश का यही रूल है फिलहाल, सो वी ऑर्डर्ड द वॉचमैन हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, या फिर आस्क्ड द वॉचमैन हो जाएगा, या तो कहना या तो ऑर्डर देना, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे वॉचमैन से, डेफिनेटली वहां पे आप अथॉरिटी हो तो आप रिक्वेस्ट करोगे, तो ये सेंटेंस इंग्लिश के वाइज गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हमको रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए उन लोग से, बट स्टिल इस जगह पे ये ऐसे ही सही होगा। 191 पे आते हैं, लास्ट नाइट आई ड्रीम है, ये तो गलत हो गया, लास्ट नाइट आते ही आई ड्रीम गलत है, इट शुड बी IDREAMT, मैंने सपना देखा था, तो आई ड्रीम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ही हमने पास्ट एग्जैक्ट दिखाना शुरू किया, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, यस्टरडे, ऐसा कुछ भी दिखाया, हमेशा V2 चाहिए, ये फिक्स रूल है, तो आई ड्रीम गलत हो गया, आई ड्रेम्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये एकदम परफेक्ट हो गया, ठीक है, तो पार्ट ए हैज द एरर।
नंबर 192, एज सून एज द लायन सॉ द डियर ही बिगैन टू रन आफ्टर इट. जैसे ही लायन ने डियर को देखा, ही बिगैन टू रन आफ्टर इट. यहां पे क्या हो जाएगा, ही बिगैन रनिंग आफ्टर इट. यहां पे गलती कहां है, ही बिगैन टू रन गलत है, ही बिगैन रनिंग आफ्टर इट. ठीक है, एज सून एज द लायन सॉ द डियर ही बिगैन रनिंग आफ्टर इट, ये सही हो जाएगा. टू रन यहां पे गलत है. तो इफ इट इज बिगैन, इट्स आई एन जी. सो आई बिगैन स्टडिंग, आई बिगैन राइटिंग, आई बिगैन साइकिलिंग, ऐसे करके यूज करते हैं. तो बिगिन, बिगैन, बिगैन के बाद में, बिगन के बाद में हम आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं हमेशा. सो बिगैन के बाद में टू रन गलत है, जस्ट बिकॉज हम आई एन जी यूज करते हैं. सो ही बिगैन के बाद में रनिंग हम यूज करने लग जाएंगे. चलो 193 के बाद करते हैं. द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम. देखो, पुलिस ने हमारे मूवमेंट्स के बारे में बात किया. ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम, उस रात में जिस रात में क्राइम हुआ था. तो अ नाइट कैसे लिखेंगे, गलत है. ऑन द नाइट ऑफ द क्राइम मतलब स्पेसिफिक नाइट है ना, उसी नाइट में जिस दिन जिस राइट पे क्राइम हुआ था. तो अ नाइट ऑफ द क्राइम गलत है ना, द नाइट ऑफ द क्राइम होना चाहिए, मतलब वही रात जिस राइट को क्राइम हुआ है. सो दैट नाइट वुड बी स्पेसिफिक. तो अ नाइट लिख के उसको मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, इट शुड बी द. सो एरर किधर निकली, पार्ट नंबर 3 में. चलो 194 पे आते हैं. डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे. अब यहां पे देखो ध्यान से समझो, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैजंट कम यस्टरडे. अब यहां पे यस्टरडे की बात कर रहे हैं. तो यस्टरडे का मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट पास्ट. हैज नॉट कम यस्टरडे गलत हो गया, इट शुड बी हैड नॉट कम यस्टरडे. तो हैज नॉट की जगह हैड नॉट लगाना पड़ेगा. रीजन क्या है बेटा, जब भी कभी इमीडिएट पास्ट होता है तो हम प्रेजेंट में ना करके हमेशा हम किस में करते हैं, पास्ट में वर्ब को लिखते हैं. सो कम यस्टरडे के बाद क्या लिखेंगे, हैज नॉट की जगह पे हैड नॉट कम यस्टरडे लिखेंगे, तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा. चलो लास्ट क्वेश्चन, देन वील मूव टू क्विज क्वेश्चंस. 195, इट वॉज अ प्लेजेंट 4 आवर्स ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए यहां पे लिखा है 4 आवर्स ड्राइव. जब भी कभी आपको ऐसा कुछ मिले, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इन सारे वर्ड्स में लास्ट वर्ड ही नाउन है, सिर्फ लास्ट वर्ड ही नाउन है. बाकी सारे वर्ड्स क्या काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का. और एडजेक्टिव कभी भी एसईएस नहीं ले सकते अपने साथ में. सो ये लिखा है 4 आवर्स ड्राइव. इसमें 4 और आर्स ये दोनों काम किसका कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं. तो 4 आवर्स ड्राइव गलत है, इट शुड बी 4 आवर ड्राइव. अगर ये सिर्फ 4 आवर्स होता अभी ठीक होता, क्योंकि आर फिर नाउन बन जाता, क्योंकि दो ही वर्ड्स हैं तो लास्ट वर्ड नाउन बन जाता है. लेकिन अगर 4 आवर्स ड्राइव लिखा है, इसमें आर्स में से एसेट आना पड़ेगा. तो करेक्ट क्या बनेगा, 4 आवर ड्राइव. इस वजह से 4 आवर्स ड्राइव की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 आवर ड्राइव. इस चीज को मैंने नाउन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है, गोल्डन रूल्स मैंने यूट्यूब पे अपलोडेड भी है, उसमें आप जाके इस चीज को प्रॉपरली पढ़ सकते हो. राइट, सो इसमें नाउन को हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं एडजेक्टिव से, ये चीज मैंने प्रॉपरली वहां पे एक्सप्लेन की हुई है. सो फिलहाल इसका शॉर्ट में या क्रिस्प में ये इसका एक एनालिसिस था. चलो सो लेट्स गेट टू क्विज के क्वेश्चंस. दिस वाज ऑल फॉर टुडे. क्विज के क्वेश्चंस में नंबर 1 है, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस रेकमेंडेड द वैक्सीन. नंबर 2 इज वी हैव डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ. थर्ड इज Children enjoy listening to ghost stories, especially on Halloween night. Number 4th is, I have many works to do. Number 5 है, there are so many filth all around the place. ये 5 question के answers आपको मेरे को comment में करके बताना है, ताकि एक proper सा track रह पाए आपका, कि आप कितने answers को ठीक कर रहे हो. Copy में भी, it's not bad, but if you keep on answering me in comment section, आप खुद से उसका track रख सकते हो. चलो, मिलते हैं next class में. Till then, take care and have a nice time.